नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत से रिलेटेड हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें प्रारंभिक मध्यकाल से रिलेटेड ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, और इस वीडियो में अपन बात करेंगे सल्तनत काल से रिलेटेड। सल्तनत काल से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिल्ली सुल्तान का जो शासन है वो कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी के अंदर। दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो 1206 ईस्वी में शुरू होता है। इसके अलावा इसी वर्ष मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक रूप से राज्यारोहण हुआ था, और वो कहाँ पर हुआ था, लाहौर के अंतर्गत हुआ था। और ये दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, और इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो 1206 ईस्वी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, निम्न में से किसने दिल्ली की सल्तनत के ऊपर राज नहीं किया। तो देखिए, आपको चार वंश दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा वंश है जिसने दिल्ली की सल्तनत के ऊपर राज नहीं किया था। तो गुलाम वंश ने राज किया था, सैयद वंश ने भी राज किया था, खिलजी वंश ने ऑब्वियसली बात है किया था, गौरी वंश ने नहीं किया था। इसलिए गौरी वंश क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो अभी अपन ने बात की है, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो काल है वो दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः आपका गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, इसके अलावा लोधी वंश है, उन्होंने भी शासन किया था। कौन कौन से वंश ने कितने कितने समय तक शासन किया था, उनके बारे में अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। जब गौर वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी, तो 1206 ईस्वी के अंतर्गत उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए गौर वंश ने कभी भी दिल्ली के ऊपर राज नहीं किया था। इसलिए गौरी वंश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो किसने बनवाया है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। अजमेर में अढ़ाई या फिर इसको 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से एक मस्जिद है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और संस्कृत विद्यालय था पहले यहाँ पर, उसको तोड़वाया गया था, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो ये बनवाई गई इमारत है, इसके अलावा इन्होंने एक दूसरी इमारत भी बनवाई थी जिसकी बात करें तो कुब्बत उल इस्लाम, इसके अलावा जो कुतुब मीनार है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में इसका निर्माण करवाया गया था। जो आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उससे कुछ ही दूरी पर आप जब चलते हैं, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर यह 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, किस शताब्दी में दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो बनाया गया था। तो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था, 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कुतुब मीनार के निर्माण का जो प्रारंभ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक थे 1206 से लेकर 1210 ईस्वी, उन्होंने इनका प्रारंभिक जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ किया था। और बाद में इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी, इनके कार्यकाल में ये जो काम है वो पूरा हुआ था। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। इसलिए निर्माण के अनुसार 13वीं शताब्दी में यह बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल है उसको काफ़ी हानि पहुंच गई थी, काफ़ी चोट हुई थी, जिसके कारण फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिलों का बाद में निर्माण करवाया था। तो 13वीं शताब्दी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नसीरुद्दीन। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुगु खां की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी? उलुगु खां की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नसीरुद्दीन का कोई भी पुत्र नहीं था, जिसके कारण बाद में बलबन इसका उत्तराधिकारी बना था। तो नसीरुद्दीन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, इसलिए अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगी, तुर्की राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, और वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था जिसके बारे में अपन ने बात की थी। सिंहासन पर बैठने के बाद में उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, बल्कि केवल मलिक और सिपाही सलाहकार की उपाधियों से उनको संतुष्ट रहना पड़ा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए थे। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी जो गयासुद्दीन है उसने उसे सुल्तान स्वीकार किया था। ऐबक ने
1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर के शासन का संचालन किया था। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन का जो दामाद वह उत्तराधिकारी जो इल्तुतमिश है वो इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली की सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न जो सुल्तान है वो कौन था? इल्तुतमिश था। इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक जैसा कि अभी अपन ने बात की है इसमें इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। हालांकि जो सल्तनत काल है उसका प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जैसा कि अभी अपन ने बात की है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी। किंतु दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो शाही संरचना है इसके प्रमुख अंग एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, इन सबको सुव्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इसी के साथ में इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। KM निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, यहाँ तक कि एक दिशा और एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग भी प्रदान किया था, जिसके कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक माना जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं के ऊपर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खान है उसने ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबन्नी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 1221 ईस्वी में सिंध के ऊपर आक्रमण किया था। लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा मांगबन्नी की कोई भी सहायता न किए जाने के कारण और बाद में 1224 ईस्वी में मांगबन्नी के वापस चले जाने से भारत के ऊपर मंगोल का आक्रमण है उसका भय टल गया था। तो इल्तुतमिश क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह है चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो इनमें से बलबन इसका करेक्ट आंसर होगा। बलबन जो कि 1266 से लेकर 1286 ईस्वी, इसने इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित जो 40 तुर्क सरदारों की दल है जिसको चिहालगानी के नाम से भी जानते हैं उसको समाप्त करने का कार्य किया था। इसलिए बलबन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार जो नौरोज है उसका प्रवर्तन किसने किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बलबन। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा और दरबारी शिष्टाचार है उसको बढ़ाने के लिए फारसी जो परंपराएं हैं उसको अपनाया था, जिसके तहत उसने दरबार में सिजदा सिजदा और जो पायबोस प्रथा है उसको भी प्रारंभ किया था। और अपना जो संबंध है वो फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित जो अफरा सियाब है उससे भी उसका संबंध जोड़ा जाता है। तो बलबन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात जो तुर्की सामंत है उसकी शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बलबन इसका करेक्ट आंसर होगा। चिहालगानी या फिर फोर्टी के रूप में विख्यात जो तुर्की सामंत है उसकी शक्ति को भंग करने वाला पहला सुल्तान बलबन था। इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित जो 40 सामंतों के समूह या फिर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में राजनीति में जो हस्तक्षेप है वो काफी बढ़ गया था। बलबन भी चिहालगानी का एक सदस्य था, इसलिए बलबन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो देखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की एक शासिका थी और उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी और रजिया पर्दा प्रथा है उसको त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कुलह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाती थी और उन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन भी किया था। इसलिए इल्तुतमिश की क्या थी? वो पुत्री थी। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो अभी अपन ने बात की है रजिया सुल्तान, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, अभी मैंने आपको बताया था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की जो परंपराएं हैं उसका उल्लंघन किया था और राजनीतिक जो दृष्टि है उससे अपने राज्य की शक्ति को सरदार या फिर जो सूबेदार हैं उनसे विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने के ऊपर बल दिया था। और इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो राजतंत्र है उसके सिद्धांत का समर्थन भी किया था, जो कि उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें तुर्की राज्य में हित में था। तो रजिया सुल्तान क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से
तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो पहले और बाद में किसने शासन किया था ये आपको बताना है। तो देखिए खिलजी शासक थे वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी, और उससे पहले कौन था, गुलामवंश था जो कि 1206 से लेकर 1290, और खिलजी शासक थे उसके बाद में कौन थे, तुगलक वंश था, वो था आपका 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक उसने शासन किया था। इसलिए गुलाम और तुगलक ऑप्शन थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो क्या थे, मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, या फिर एक जाट कबीला था? तो वो क्या थे, तुर्क थे। खिलजी मूलतः क्या थे, तुर्क थे, लेकिन अफगानिस्तान में अधिक समय तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदत और जो रीति रिवाज हैं उनको अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी के सैनिकों के रूप में भी भारत में आए थे। मध्य एशिया जो अफगानिस्तान है उसमें मंगोलों की उथल पुथल के फल स्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। जातीय दृष्टि से खिलजी क्या थे, तुर्क थे। इसलिए तुर्क क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों सल्तनत काल से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कुछ और भी बने हैं उसके बारे में पार्ट सेकंड आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक आ जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।